हाय फाखर, मैंने तुम्हें बाय बोलने के लिए फोन किया है। कल सुबह की फ्लाइट से मैं वापस जा रही हूँ। फैमिली ने एक फेयरवेल डिनर रखा हुआ है तो वापसी आते आते देर हो जाएगी। मैंने सोचा अभी तुम्हें कॉल कर लूँ। जा तो मैं भी रहा हूँ, मेरा भी वीजा आ गया है। रियली, दैट्स ग्रेट न्यूज। तो तुम डिग्री के बाद वापस आओगे? वापस पता नहीं, सोचा तो यही है कि वहाँ पे एक जॉब कर लूँगा कोई, इनायत का अच्छा फ्यूचर चाहता हूँ और अच्छा लाइफस्टाइल भी देने के लिए कोई ना कोई अच्छी जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो एनी और इनाया को तुम वहाँ पे नहीं बुलाओगे? नहीं, वो एनी ने डिवोर्स ले लिया मुझसे, तो बड़ा सोचने के बाद मैंने जो है वो पेपर्स बनवा लिए हैं। साहिर सी बात है यार, अगर मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ लाइफ में तो उसका भी पूरा हक है। आई जस्ट होप फाखर कि ये डाइवोर्स का डिसीजन मेरी वजह से नहीं ले रहे हो तुम, क्योंकि मैंने एनी को, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें ये बहुत अच्छे से बात क्लियर कर दी है कि ना तो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी थी, ना कभी हूँ और ना कभी आऊंगी। ऐसा मत सोचो, ये तुम्हारी वैसे नहीं था, शायद उसको मुझसे पहले पता लग गया था इस चीज़ के बारे में, और ये हमारे ज़बरदस्ती के रिश्ते का एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो कभी ना कभी तो होना ही था। तुम ऐसा मत सोचो। चलो, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। इस डाइवोर्स की वजह से एनी भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती है अब, लेकिन शायद उसके लिए ये सब कुछ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास एक बेटी भी है। लेकिन आई सिंसेयरली विश द बेस्ट टू द बोथ ऑफ यू। ओह थैंक यू आमना, तुम्हें बहुत अच्छी दोस्त रही हो मेरी शुरू से। आई जस्ट होप कि हम आगे भी जो है वो कांटेक्ट पर हैं। एनीवेज, टेक केयर। टेक केयर फाखर, बाय।